झांसी दौरे पर पहुंची प्रदेश सरकार के मंत्री और झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हाथरस कांड पर एक विवादित बयान दिया। बेबी रानी मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह नहीं मानती हैं कि कोई बाबा अपने भक्तों से ये कहेगा कि उसके पैर की रज माथे से लगाई जाए। ये तो भक्तों की अपनी आस्था है जिस वजह से वह ऐसा कदम उठाते। मुझे नहीं लगता कि बाबा ने भक्तों से ऐसा कहा होगा। हादसा तो बाबा के जाने के बाद हुआ था। देखिए, ये तो जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए। उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी, उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्थाएँ हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे करना। अब भाई, अब और कुछ विषय पूछ लो कि बाबा ही को लेते रहोगे। अच्छा, आज राहुल गांधी भी वहाँ है, उन्होंने कहा। आप अपनी झांसी के बारे में पूछो जिसकी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील तिवारी है। मैं मोठ नगर में तिवारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का प्रबंधक हूँ। हमारे यहाँ पे एक नई सुविधा उपलब्ध होने वाली है। प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक झांसी से आए हुए हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार किया जाएगा। और आप हॉस्पिटल से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हम एक नंबर आपको बता दे रहे हैं, 9993690373734।